हिंडनबर्ग ने अमेरिका से एक खबर पहुंचाई है कि ये शेयर मार्केट गिरने वाला है और इस पे सिबी की जो चेयरमैन है और उनके खावंद और अडानी जी इसमें मुलविस है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पी सो मोटो इसको उठाया है, वो गुजारिश करते हैं क्योंकि ये देश का मामला है कि वो सो मोटो इसको उठाएं कि देश के सामने ये बात आए और सरकार इसको क्लियर करे। मैं तो ये भी जानता हूं कि हिंडनबर्ग ने उसको फोन भी किया था कि तुम कब रिजाइन कर रहे हो। मैं तो पहले राहुल गांधी को मुबारक करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने रख दिया है। सिबी में लोगों के पैसे हैं, शेयर मार्केट, और हिंडनबर्ग ने अमेरिका से एक खबर पहुंचाई है कि ये शेयर मार्केट गिरने वाला है और इस पे सिबी की जो चेयरमैन है और उनके खावंद और अडानी जी इसमें मुलविस है और इसमें बहुत जल्दी ये गिर जाएगा, इनका पैसा डूब जाएगा। और इससे उन्हें गुजारिश की है, जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ने, इनसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले पी सो मोटो इसको उठाया है, वो गुजारिश करते हैं क्योंकि ये देश का मामला है कि वो सो मोटो इसको उठाएं कि देश के सामने ये बात आए और सरकार इसको क्लियर करे। इसमें भी कोई शक नहीं है, वो कहते हैं कि जो सिबी के चेयरमैन है उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं तो ये भी जानता हूं कि हिंडनबर्ग ने उसको फोन भी किया था कि तुम कब रिजाइन कर रहे हो। पर साहब, अब आगे इलेक्शन आने वाला है तो कैसी तैयारियां, क्या आपको जो है? देखिए, मैं समझता हूं जितनी हमसे तैयारी हो सकती है हम लोग कर रहे हैं, बाकी अल्लाह तक है। हमने लोगों के सामने अपना मसौदा लाना है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो ये ऐलान हो जाएगा तो हम लोग वो मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाएंगे और मुझे उम्मीद है लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी हम क्या क्या करने वाले हैं यहाँ के लोगों के लिए। और सब, आज बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बिहार में जिसमें स्टैम्प पैड एक मंदिर में हुआ और उसमें 7 कीमती जाने जो चली गई। कहाँ पे? बिहार का हादसा सर, स्टैम्प पैड हुआ। देखिए, देहानपुर, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे वो एक शख्स जो गॉड आर्मी बन गया था और वहां लाखों औरतें और मर्द गए थे और स्टैम्पीड हुआ, कितने लोग मर गए ये आपको याद है? यानी इससे ज्यादा मर गए। अफसोस तो इस बात का है, सरकारी हुकूमत का ये जिम्मेवारी है, ऐसे यहां हो रहा है, यात्रा चल रही है, हर कोई सुविधा मौजूद है, अमरनाथ की यात्रा है, हर कोई सुविधा मौजूद है। वहां की हुकूमत को भी अब ये करना चाहिए कि लोगों को इन खतरात से नजात दे, प्लान करके मंदिर में उसे प्लान करके मंदिर से निकले। वो तो भगवान को याद करने गए, मौत के फरिश्ते को याद करने नहीं गए। अब कितने जितने वो मर गए होंगे, उनके घरों में कितनी मातम होगी, क्या हाल होगा उनका? अगर कमाने वाला ही गुजर गया तो वो गिर गए, ये अफसोस की बात है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम। Thank you.